हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा जो मैंने आपको बताया था कि मैं लखनऊ जाऊंगी, फिर होम टाउन जाऊंगी, तो मैंने सब कहीं का ब्लॉग डाला है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ से यमुना एक्सप्रेस होके मैं गई थी लखनऊ, वहाँ का भी ब्लॉग डाला है। तो आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा सा फ्रेंड्स है, तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और पसंद आएगा मेरी रेसिपीज दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर किचन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना देते हैं। तो ये मैंने बनाना, ऑरेंज, एप्पल और पपाया ले लिया है। और बनाना देखने में अच्छा लग रहा था, सो मैंने ले लिया, लेकिन थोड़ा सा ख़राब भी तरह से नज़र आ रहा होगा, तो जो ख़राब सा है उसको मैं हटा दूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो ये मेरा बच्चों के लिए फ्रूट चाट तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे। और प्लीज़ आप सभी मेरे ब्लॉग पपाया छीन लेते हैं। मैं घूमने का भी ब्लॉग बनाती हूँ, और जो मैंने लखनऊ गई थी एक्सप्रेसवे से, मैंने उसका भी पूरा ब्लॉग बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ उसको बताइए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। तो ये बनाना काट लिया है, और ये पपाया भी इसी में काट कर लेंगे छिल। और ये ऑरेंज है हमारे पास, तो ऑरेंज को छील लेंगे। और बच्चों को, अगर बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको फ्रूट चाट बना के दे दीजिए, इससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, तो फ्रूट का टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। और ऐसे देखते हैं कट करके, तो बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, इसलिए हम फ्रूट चाट बना के दे देते हैं, तो बच्चे इंजॉय करके खा लेते हैं। और ये एप्पल काट लेंगे, एप्पल का छिलका नहीं निकालेंगे हम। और ये हम डाल देंगे ऊपर से काला नमक। तैयार हो गई, इसी में मैंने काली मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए यम्मी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई है। नमक डाल दिया है, तो मटर को हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो मटर देखिए फ्रेंड्स, दर दर अब पिस गया है, इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया है। अब इसी जार में हम अपना मसाला बनाएंगे। तो इसमें हम ये धनिया की पत्ती, और ये दो तीन मिर्ची, और ये दो टमाटर डाल के इसका हम महीन पेस्ट बनाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो धनिया मिर्ची के मसाले को भी निकाल लेते हैं। टमाटर इसमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है मटर के निमोने में, इसलिए मैंने साथ में टमाटर भी इसमें पीस लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने रख दिया है इसमें तेल गरम करने के लिए, इसमें डाल दिया है जीरा, डाल दिया है प्याज के पत्ते ही, टमाटर, मिर्ची और धनिया का जो मैंने मसाला बनाया था वो डाल देंगे। इसी में हल्दी पाउडर और ये धनिया मिर्ची का पाउडर, साथ में जो मैंने मटर को पीसा था वो डाल देंगे, मटर और चने को।
सभी को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आलू को मिक्स करेंगे और ये डालेंगे हम पानी। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सब्जी मसाला भी डाल देंगे इसमें। और इसको ढककर 20 मिनट तक हम आलूओं के साथ पकाएंगे। तो एक बार हम खोल के देखें, ये सब्जी देखिए काफी अच्छी तरह से पक गई है, ठीक भी हो गई है। और आलू देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वो पके हैं कि नहीं। अगर नहीं पके हैं तो 10 मिनट तक इनको और कुक करेंगे। तो ये देखिए आलू भी मेरे कुक हो गए हैं। गैस को बंद करते हैं और चावल की तैयारी करते हैं। तो इधर मैंने चावल भी कुकर में रख दिया है। तो चलिए खाना बनता है, फिर आपसे मिलते हैं।